क्राइम ब्रांच व मनावर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अवैध रूप से हथियार की तस्करी करते हुए दो लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 7 नग 0.9 mm पिस्टल, 8 नग देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं एक और मादक पदार्थ गांजा बेचने वाले आरोपी से पुलिस ने 18 किलो 500 ग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख बताई जा रही है। आरोपी जगदीश पिता छगन जमरा को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि मनावर पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़े दिनों से सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से हथियारों एवं गांजे की तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बिना नंबर की बाइक को रोका और तलाशी ली गई। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपी लोकेश और राहुल को 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आज धार पुलिस ने दो मामले का खुलासा है। इसमें मनावर पुलिस की दो अच्छी कार्रवाई हैं। पहली कार्रवाई में बाकने चौकी की पुलिस है, उसने दो आरोपियों को कल पकड़ा मोटरसाइकिल समेत। जब उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से 7 पिस्टल और 8-12 बोटे कट्टे मिले और 5 जिंदा कारतूस मिले। इसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, सुनील और लोकेश, और राहुल नाम का जो आरोपी है जो सिद्धि का है, जिसने इसे इकट्ठे लाना बता रहे हैं, वो भी फरार है। दूसरा मामला अवैध नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें मनावर पुलिस ने करीब 18 किलो 500 ग्राम गांजा रिकवर किया है और अपने खेत पर कपास में छुपा कर लगाने वाले जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया।